नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। लगातार चुनावी माहौल स्टार्ट हो चुका है पूरे सिवान जिला में, पूरे बिहार राज्य में। मैं बात करूंगा अभी परचुकी ब्लॉक के क्षेत्र में हूं और एक पंचायत है शंभुपुर पंचायत और गांव है गोसाई छपरा गांव है और क्षेत्र संख्या 21 है। कई प्रत्याशी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए गांव में निकल चुके हैं अपना चुनाव चिन्ह लेकर। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार अपने आप को रिप्रेजेंट करें और लोगों से अपील कर रहे हैं कि मुझे इस बार चुनाव में जिताना है। तो आइए, इसी बीच एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अरविंद यादव जी, जो आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसमें कहीं न कहीं से राजनीति माहौल कई वर्षों से इनका बना हुआ है और ये समाज में कई वर्षों से हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं और इस बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्षेत्र संख्या 21 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले हैं। इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, अंगूर का गुच्छा। तो आइए हम बात करते हैं कि इस बार ये चुनाव लड़ने वाले हैं क्षेत्र संख्या 21 से जिला परिषद से, वो क्यों लड़ना चाहते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और इस बार किस तरह से अपने पंचायत का, गांव का और क्षेत्र संख्या 21 का विकास करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्वागत है चैनल का और बहुत बहुत बधाई अपने चलते आपका चुनाव से मिल चुका है। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे तो आपके बारे में काफी मैं सुना हूँ, काफी आपका सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ आपकी एक्टिविटी। तो ये चुनाव लड़ने का जो मुहिम अपनाया आपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से, ये पहली बार लड़ने की दूसरी बार लड़ेंगे? नहीं, हम सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चुनाव लड़ रहे हैं चौथा बार, मेरी पत्नी लड़ती थी। अच्छा। मैं भी लड़ रहा हूँ। प्रत्याशी आप ही हैं? हाँ, अभी मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, इससे पहले आप सत्य चुनाव लड़ी थी जिला परिषद से? पिछला बार 64 वोट से हार गई थी। 64 वोट से। इस बार किस योजना के तहत, किस नए तकनीक के साथ आप काम करने वाले हैं और जिस तरह से आप लोगों के बीच जाकर अपना दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नई नई उम्मीद लगा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? अभी आप निकले हैं दौरे पे, जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि हम लोग नए नए उम्मीद जगा करके नरेंद्र मोदी जी की तरह ठगते हैं नहीं। हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में और जेन्युइन जो मूलवास जो सुविधा है, असुविधा है, जिसमें आम जनता को परेशानी होती है, स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है, रोड बन गया है तो नाला नहीं बना है, जिसके कारण पानी जो है घरों का रोड पर आता है और गंदगी फैलता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं और लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ये सब मुद्दा है। और जो विधवा पेंशन है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, तो ये सब मुद्दा के साथ हम मैदान में उतरे हुए हैं। नौजवान बहुत यहाँ दिग्भ्रमित हो गए हैं इस सरकार में, तरह तरह के मतलब कि अपगेंडा फैला करके सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो ये सारा महंगाई है, सभी लोग त्रस्त हैं, बाढ़ का पानी जो है खेतों में जल जमाव हो गया है, निकलने का रास्ता नहीं है। जहां रोड बना है उस रोड के जहां से पानी निकलना चाहिए था वहां पुलिया नहीं बन करके दूसरे जगह पर बन गया है, जिसके कारण काफी आम जनता को समस्या है और दिक्कत है, परेशानी है। तो ये सब लेकर के मैं चुनाव में घूम रहा हूँ अपना। जैसे आपने कहा कि काफी पंचायत में भ्रमण किया है और कमी आपको आप ऑलरेडी बता रहे हैं, तो आपका मतलब ये है कि जो सरकार अभी वर्तमान में है, जेडीयू पार्टी से सरकार है जो, तो उसका जिस तरह सरकार ने अपील कर रही है जनता के बीच जाकर, पैसा भी बांट रही है, मतलब लोगों को इतना काम दे रही है और प्रत्याशी भी इतना बीच पैसा बांट रही है, तो क्या लगता है कि पैसा आने के बावजूद भी ये काम नहीं हो पा रहा है, तो किसकी गलती है? सरकार गलती है कि प्रत्याशी गलती है कि जो इस बार पंचायत के चुनाव लड़े हैं, जो जीत कर आए और इस बार दोबारा से चुनाव जीतना चाहते हैं? देखिए, इसमें तो सरकार का ही गलती है। उसके बाद जो प्रत्याशी, अब जो महिला उम्मीदवार है, वो उनको ठीक से चुनाव चिन्ह लिखना नहीं आता है, उस तरह के भी कई महिलाएं उम्मीदवार हैं, तो वो अब चुनाव जिला परिषद जीत जाएंगी तो क्या विकास करेंगी, क्या आवेदन लिखेंगी? मान लीजिए, यही आपके कहने का मतलब ये है कि जो समाज में पंचायती का, चाहे जिला परिषद का, चाहे जो कुछ भी चुनाव लड़ रहा है, उसके व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी होना चाहिए, मतलब लड़ाई लड़ने का मतलब उसकी एबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल, उसी को लड़ना चाहिए जो ब्लॉक में, थाने पर, कलेक्ट्रेट में, स्वास्थ्य केंद्र पर आम जनता की समस्या को लेकर के वहां पदाधिकारी के पास रखे, उसके लिए संघर्ष करें, वैसे ही लोगों को चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, तब नो काम होगा। तो आप इतनी मरतबे से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जिस जनता के बीच जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि जनता का जो रुझान है कितना प्रतिशत आपके बीच आ चुके हैं और क्या उम्मीद है इस बार जीत के प्रति, कितना आश्वस्त है? अब देखिए, हमको तो जहां जा रहे हैं वहां लोग कह रहे हैं कि आप इस बार चुनाव जीत रहे हैं,
आपके साथ काफी लोग हैं, लेकिन हम जब तक चुनाव जीत नहीं जानते हैं तब तक झूठा हम बात नहीं बोलते हैं, झूठा बयान कई वर्षों से तो लोगों के बीच काम करते आ रहे हैं, लोगों की समस्या को जान रहे हैं, उनकी समस्या को सुलझा रहे हैं, तो लगता है कि इस बार आपकी उम्मीद है। नहीं देखिए, यहाँ जो है कि पहले 7 पंचायत पर था ये, अच्छा उस समय हम चुनाव हारे, अच्छा उसके बाद 6 पंचायत पर हो गया, तो मात्र हम 64 वोट से हारे हैं। इस बार बहुत सारा गांव कट के नगर पार्षद में चला गया है, मेरा ही पंचायत से जी जी। तो उधर से हम हारते थे, तो वो तो गांव चला गया है नगर पार्षद में, तो इसीलिए मेरे साथ सभी जाति धर्म के लोग हैं और मेरे साथ जमात है, जमात समझ रहे हैं ना, पूरे जमात के लोग हैं, सभी जाति के लोग एक जमात एक समूह है मेरे साथ, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत काफी वोटों से चुनाव जीतूंगा। बाकी यहाँ लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, आपसे भी अचानक में ही मुलाकात हुई, आपको चुनाव से मिल चुका है ये अंगूर का गुच्छा। हाँ, 9 नंबर पे अंगूर का गुच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि आपका जैसे रविंद्र यादव नाम है, लेकिन उर्फ में कोई आपका नाम भी है जिसे लोग बोलते हैं गब्बर यादव जी? हाँ हाँ, रविंद्र यादव मेरा सर्टिफिकेट नेम है। हाँ। और गब्बर यादव जी मेरा पुकार का नेम है। हाँ। तो रविंद्र उर्फ गब्बर यादव हमको ज्यादा लोग बोलते हैं। और आरजेडी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, आरजेडी का ही है हम तो। हाँ। ये तो सारे लोग जानते हैं कि हम आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। हाँ। हम राजद के ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। इसमें तो पूरा जिला जानता है, बिहार जानता है हमको, यानी हम राजद नेता हैं। ये तो पार्टी में चुनाव नहीं लड़ रहे हो रहा है, पार्टी बेस आपको हम कह रहे हैं क्या पार्टी बेस पे हो रहा है? ये तो आप ही लोग पूछ रहे हैं कि आप राजद के नेता हैं। हाँ। तो हम राजद के तो है ही है, तो मान लीजिए हम राजद ही चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के हैं तो हमको लोग क्या कहेंगे? आरजेडी पार्टी से हैं। तब चलिए बात करते हैं कुछ जनता से, आप क्या विचार रखते हैं इस बार, किस तरह से विकास से माहौल जाते हैं? चलिए जीत के आते हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं कि पंचायत में चाहे अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास हम लोग चाहते हैं। विकास में क्या चाहते हैं? रोड चाहते हैं, जो उधर का रोड खराब है। हाँ। उधर का रोड ढलाई नहीं हुआ है, ये सब काम इनसे लेना है। उम्मीद है आपको? हाँ। चलिए और भी जनता जुड़े, बहुत जी आप क्या चाहते हैं पंचायत में आपके क्षेत्र संख्या 21 में किस तरह से विकास होना चाहिए? पानी बहुत लग जाता है। हाँ। पानी निकलने की जगह पानी नहीं रहता, ये चौर में पानी नहीं रहता, नाला नाला कोई व्यवस्था नहीं। हाँ। अच्छे आदमी निकलेगा, नाला बनवाएगा, पानी उम्मीद है आपको इस बार। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? सभी सामान्य जनता को हार्दिक प्रणाम करते हैं और विशेष करके मैं इस बार 8 नंबर समूहपुर के पंचायत संख्या 8 से वार्ड प्रत्याशी हूँ। अच्छा, वार्ड प्रत्याशी? हाँ हाँ, मेरी बीवी लड़ी है विभा देवी, क्योंकि महिला सीट था, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही मेरा नारा है, नेता शिक्षित होना अनिवार्य है, लेकिन उसके साथ साथ 100% ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग नेता लोग गरीब से वादा तो करके जाते हैं लेकिन कोई उसके सच्चाई के लिए खड़ा नहीं होता है। और देखिए ये हमारे वार्ड में ये जीतते ही इसको हम ये विकास करके यहाँ दिखाएंगे। और उनके बारे में क्या कहेंगे रविंद्र यादव जी? आपके क्षेत्र में रविंद्र यादव जी हम सालों से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, संघर्ष कर रहे हैं, युवा नेता है, जनता के बीच में रहते हैं और जनता जनार्दन है, इनको इनके मेहनत और ईमानदारी पे वोट करेगी, हम भी इनके साथ हैं क्योंकि युवा के बीच में रहते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे जी? सुनिए, हमारा बात खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम इनसे भी कहते हैं जीतने के बाद रास्ता मत भूल जाइएगा, क्योंकि रास्ता गरीबों की बस्ती से ही जाती है, क्योंकि गरीब आपके साथ नहीं है तो ईमानदारों की झोली भरने से कुछ होगा नहीं। हम गरीबों की राजनीति करते हैं, यानी सबके साथ रहना। हम तो अभी नेता नहीं है लेकिन लड़ाई हमारे गरीबों के लिए ही है, ये 8 नंबर वार्ड में लड़ाई गरीबों के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, समझे ना? कितना पैसा आ रहा है? वार्ड में हमको पैसा से मतलब नहीं है, गरीबों की बस्ती से मतलब है, रास्ता से मतलब है, पानी से समस्या आपके पास मिलेगा तो पैसा सही में तो मेरा शब्द ही इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप? हमको पैसा आप भी जीत कराते हैं तो किस तरह से काम करेंगे? हमारा वक्त नहीं, हमारे साथ खड़ा जनता बताती है, और हम बिना नेता बने हुए हम मुखिया से कोरोना काल में लड़ाई करके विरोध करके जनता को राशन बंटवाए हैं, हमारे आवाज इतना बुलंद है, ये गरीबों की आवाज बोलता है। तो मुखिया से आवाज करते, मुखिया जी तो अपने घर नहीं बनेगी, तो चोर है मुखिया। जब गरीबों के लिए कोरोना काल में राशन आया, पर्सनल इंसान के जीने के लिए इतना जरूरत होता है, वो सरकार सब दिया था, लेकिन ये मुखिया लोग चोर है। कोरोना काल में
हमारे लड़ाई के बाद जनता को, हमारे गांव के जनता को राशन पानी मिला, लेकिन जो क्वारंटीन हुए थे उनको पर्सनल उपचार सुविधा मिला हुआ था, जैसे साबुन, पर्सनल बाल्टी, ये सब कपड़ा लाता, गंजी बनिया, सब आदि इत्यादि सब मौजूद था, लेकिन मिला किसी को नहीं। बदलाव जरूरी है, बदलाव शिक्षित के साथ ईमानदार जरूरी है, नहीं तो चोर जीतेगा तो पहला अपना तिजोरी भरेगा, सीधा सा बात है। आप क्या कहेंगे इस बार किस तरह से प्रत्याशी को उम्मीद रखते हैं? विकास में क्या चाहते हैं? नदी बन जाए रोड पे, जहाँ रोड खराब है रोड सही हो जाए, पुल कहाँ भाता है, पुल का भी अनिवार्य होना चाहिए, ऊंचा पर बन गया जहाँ पानी नहीं जाता, ऊंचा है कहाँ बनाना है, नहीं बनाना बनाना चाहिए, ऊंचाई ऊंचाई उसका। और भी जनता इनके साथ आया, उनसे बात करते हैं। आप क्या क्या विषय? एक्चुअली सर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कितने अभी पंचायत में आ रहे हैं, पांच या चार, कितने पंचायत रहे हैं इसमें? पांच हैं। कौन कौन सर? महुवारी, उखई, शंभोपुर, पपौर, भटवलिया, पांच पंचायत है मेरे क्षेत्र में। छह था तो एक कट के चला गया नगर परिषद में। इस बार आप जैसे आप मान लीजिए कि आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं और आप वरिष्ठ नेता भी हैं, कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस है, तो चुनाव जीतने के बाद से क्या लगता है कि आप जिला चेयरमैन बनने का दादर मानते हैं अपने को? नहीं नहीं, जिला परिषद चेयरमैन तो यहाँ महिला सीट है, महिला सीट है। और उप चेयरमैन? नहीं, हमको कोई उस पर दावेदारी नहीं है। अरे जनता, यहाँ के लोग चाहेंगे तो हम जीतेंगे, जीतने के बाद में कुछ भी होता है, अभी ऐसा कुछ सोच नहीं है। जैसे हम एक बात पूछेंगे सर, बहुत सारे प्रत्याशी जिला परिषद जीत के आते हैं तो अपना सीट क्या करते हैं कि मतलब उतना रिप्रेजेंस नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लोग जान नहीं पाते कि जिला परिषद का ऑफिस कहाँ है, किस तरह से लोग काम होता है और कैसे मतलब उसके काम करना चाहिए। देखिए यही ना बात मैं भूल कर गया कि हम लोग सोशल वर्क करते करते 30 साल से कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं, तो जब हमको कोई पोस्ट या पद मिलेगा तो हम लोग को बताना थोड़े है कि कहाँ से कौन सी निकलेगा, हम लोग सब लिखना पढ़ना जानते हैं, दौड़ना धूपना भी जानते हैं, और सब फंड खींच के जो होगा जिला पार्षद का जो फंड होगा पहला यही आएगा। एक सवाल आपसे करते हैं, इस एरिया से हट के है क्योंकि आप वरिष्ठ नेता है, सीवान जिला में जिस तरह से जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिस जो भी इंसान है सबको परेशानी हो रहा है पुल को टूटने के कारण, तो क्या आपकी पार्टी अभी सत्ता में नहीं भी है तब भी लड़ाई लड़ रही उसके लिए आवाज उठा रही है, लेकिन तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी बहुत सारे लोग सीवान में जो विधायक है आप ही की पार्टी से बिलोंग करते हैं, और भाई चौधरी जी देखिए कई बार लोगों ने पुल का जो ध्वस्त हो जाने के कारण जो आम जनता को परेशानी है, एक तो पेट्रोल महंगा है, 5 किलोमीटर पूरे फेरा लेकर के आना पड़ता है, या आप जाने के टाइम में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पेट्रोल हो गया 107 रुपया लीटर, 109 रुपये हो गया, आज फिर बढ़ गया 2 रुपया, रोजे बढ़ रहा है, तो मान लीजिए कि अब जनता को तो उससे काफी परेशानी है, लेकिन मेरे जो अभी पार्टी के विधायक जीते हैं वो लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं, हाउस चल रहा था अपनी बात रख रहे थे, लेकिन कौन सुन रहा है? नीतीश कुमार तो लाठी से और जनता से पुलिस से पिटवा देता है, मैं हम लोगों के विधायक थे, थाना में ले जाकर के पुलिस मार के मुंह देती है गरीब आदमी को, गरीब गुरबा कोई दारू या शराब में पकड़ा जाता है तो दरोगा जी जो है कि कहते हैं कि गहना गुड़िया बेच करके लाओ 1 लाख रुपया चाहे 50,000 तो बिल्कुल छोड़ेंगे, तो इस तरह का प्रशासनिक चर्चा आम जनता परेशानी में चल रही है, बहुत परेशानी है दो तरफ से, एक तरफ से महंगाई, एक तरफ से पूरी जनता परेशान है महंगाई से, और दूसरी तरफ परेशान है बिहार पुलिस प्रशासन से, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरह से आम जनता के खून को चूस रहा है, अभी अभी कोई मोटरसाइकिल से चला गया इमरजेंसी में बैठ करके, हेलमेट नहीं है तो फंड कम से कम कह रहा है लोग कि 500 रुपया दीजिए तो छोड़ेंगे, और 300 रुपया लेकर गया है दवा वाला ने तो 500 रुपया कहाँ से देगा, लास्ट में वो 300 दे के चला आता है, तो बताइए पुलिस तो खूने लू चूस रही है गरीब आदमी को, तो ये सारी सी गलती मतलब सरकार की है, तो किसकी है? सरकार में किसी का चल रहा है नेता का? आम जनता का कोई सुन रहा है? नीतीश कुमार सब IAS रख के सरकार चलवा रहे हैं और गरीब जनता के खून चूसवा रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं,
कहीं जाइए पार्क में तो 20 रुपया का टिकट चाहिए घूमने के लिए। अब वहां लोग सांस लेने जाता था शुद्ध हवा, तो वहां से भी नीतीश कुमार टैक्स वसूल रहे हैं। तो बताइए ना, जनता से तो हर जगह टैक्स वसूल रहे हैं। आप अपना पैसा से मोटरसाइकिल खरीदे हैं, अभी आप घर पे हैं, आप बिना हेलमेट के चले जाइए सिवान तो कोनो पुलिस देख लेगा तो आपसे 500 ले लेगा। सेफ्टी तो हेलमेट सेफ्टी के लिए है, ठीक है। तो मान लीजिए इमरजेंसी में वो अपने सेफ से नहीं जा रहा है, वो तो अपना भी सेफ से जा रहा है कि नहीं, तो उसका अपना सेफ्टी है, पैसे नहीं है, गलती से लगा के चलाया तो भाई पैसा लेना क्या जरूरी है। उसको मतलब एक इतिहास दे, यहाँ बिल्कुल पुलिस प्रशासन शोषण कर रही है आम जनता का। और दूसरा में जो डॉक्टर लोग हैं, ये सारे डॉक्टर लोग जो सिवान के हैं, ये सब जांच घर अपना खोल लिए हैं, एक्सरे अपना खोल लिए हैं। आज बिना एक्सरे जो नहीं भी करने लायक है उसको भी एक्सरे करके उसका बिल बना देते हैं। बात करते हैं, विपक्ष तेजस्वी यादव जी कल आए थे उषामा जी की शादी में, तो उनसे मुलाकात तो हुआ कि नहीं हम लोग का? उषामा जी के शादी में हम भी थे, 1 बजे से थे। अच्छा। हम फेसबुक पर भी डाले थे। हाँ। तेजस्वी जी आए थे, हम लोग थे वहाँ, तो इसीलिए हम लोग वहाँ 1 बजे से थे, खाना वाना खा करके हम लोग निकले वहाँ से। तो ये जो सिवान का माहौल जो पुल टूटने का जो कारण है, मतलब तो इसके बारे में कुछ उन्होंने अपना विचारधारा बताया? अरे आप लोग गए भी नहीं कि ये पूछने, तो क्या विचार रखेंगे आप लोग? तो सिर्फ भाजपा का जो लोग है, आप भाजपा के मीडिया है, बहुत सारे मीडिया लोग हैं। कौन ऐसा मीडिया है, एक बात बताइए, कौन ऐसा मीडिया है कि जो राजद के लोगों को आपसे भेंट करके चलाता है? सब लोग तो जदयू और बीजेपी से जाकर के सवाल पूछता है और वही लोग चलाता है। हम तो पूछ रहे हैं आपसे, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं, मुझे तो यही पूछते हैं। तो यही बात है, आप नेता हैं यहाँ के, तो कभी तो आप अपने नेता पे देखिए। यही मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव तो महुवारी है, क्षेत्र है ना, बगल का पंचायत है, मेरा क्षेत्र है, समझिए कि मेरा एक ही सटा हुआ गांव है। तो हम अपनी वोट मांग रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं जिला पार्षद के, ये सब लोग मेरे गार्जियन के रूप में हैं, तो यही आग्रह निवेदन कर रहे हैं। तब तक आप आ गए, आप आ गए तो आप कहें तो हमको ये बयान देना पड़ा। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि आपने प्रत्याशी के रूप में, लेकिन हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, इसीलिए हम लोगों को झूठा सच्चा भ्रमित करना नहीं आता। तो जनता इस बार उम्मीद कर सकती है आपसे? बिल्कुल, आपकी जितनी के मस्त जो मुद्दा है सरकार का, जो पंचायत का, वो काम हो सकता है। सबसे बड़ा शौचालय कमी है और ये पानी लगने का समस्या है। शौचालय का तो इतना कमी है कि आप देख लीजिए कि जरा से आगे बढ़िएगा तो रोड कितना गंदा है। सारा पैसा तो खा गया लोग शौचालय का, जितना आता था पदाधिकारी लोग, ब्लॉक के पदाधिकारी और जो भी मुखिया था मिल के खा गया सब पैसा। आप तो मानिए 8 पंचायत के मालिक बनेंगे, जीत जाएंगे तो 8 पंचायत में सही व्यवस्था करेंगे ना? जो मेरे बस में होगा, जो मेरे क्षेत्र दायरा में आएगा, तो काम सबसे पहले इसी क्षेत्र में आएगा, तब चेयरमैन किया जाएगा। हाँ, इसलिए कि हम लोग संघर्ष करना जानते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी टेक्निक हो जैसे एमपी फंड से? हाँ हाँ, वो सबके लिए हम लोग मास्टर हैं, सब हम लोग जानते हैं। बहुत सारा जो तू आएगा हम लोग के दायरे में, वो सब ला करके हम लोग यहाँ करेंगे। हम लोग गांव देहात में राजद को मजबूत करना चाहते हैं। राजद को मजबूत, राष्ट्रीय